हेलो स्टूडेंट, आज मैं इंडिफिनिट इंटीग्रल का पार्ट थ्री लेके आया हूँ। आज मैं आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट के बारे में बताऊंगा होता क्या है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का मतलब होता है स्टूडेंट कि इसमें ये सब्स्टिट्यूशन के लिए सॉल्व होता है। इसके लिए हमारे पास दो फंक्शन होते हैं, तो उसमें पहला दूसरा इनटू में प्रोडक्ट में रहता है अलग अलग टाइप का फंक्शन, तो उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, पहले को बाहर ले लेते हैं, सेकेंड को इंटीग्रेट करते हैं, फिर माइनस इंटीग्रेशन और डीएस के अंदर क्या करते हैं, पहले को डिफरेंशिएट करते हैं और सेकंड को इंटीग्रेट करते हैं, जो रिजल्ट आता है उसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है, डिफरेंशिएशन का ऐसा नहीं होता कि किसी को भी पहला और दूसरा मान ले, इसमें हमको ये देखना पड़ता है कि कौन सा पहला है कौन सा दूसरा है। तो उसके लिए हम लोग आईलेट के पास जाते हैं। आईलेट, आईलेट का मतलब क्या होता है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मैंने यहाँ लिखा है। आईलेट का मतलब होता है आई मतलब इनवर्स, इसको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी, इसमें साइन इनवर्स टैन इनवर्स ये सब फंक्शन आएंगे। दूसरा एल, एल मतलब लॉगरिथमिक होता है, इसमें लॉग एक्स आएगा, लॉग बेसी लॉग एक्स बेस टू या कोई भी बेस होगा तो वो आएगा। थर्ड प्रायोरिटी देते हैं एलजेब्रिक को, जो एक्स की पावर होता है, एक्स की पावर टू, एक्स पावर माइनस थ्री बाई टू, इस टाइप का जो होता है उसको एलजेब्रिक में रखते हैं। फिर अगला आता है ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन कॉस टेन इस टाइप का आता है। और लास्ट होता है एक्सपोनेंशियल, जिसमें ई की पावर एक्स, टू की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, मतलब पावर में अगर एक्स है तो एक्सपोनेंशियल कहलाएगा। इसमें एक स्पेशल केस है बाई पार्ट का, मैं आगे भी बताऊँगा आपको कि अगर एक्सपोनेंट है बाहर और अंदर, अगर हमारे दो फंक्शन इस तरीके से हैं कि जिसमें एक का एक फंक्शन का दूसरा डेरिवेटिव है, तो रिजल्ट क्या आएगा, एक्सपोनेंट इनटू में दैट फंक्शन बस। ठीक है, इसके क्वेश्चन आपको बहुत बार आया है, तो एक इन सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक कुछ प्रॉब्लम्स के थ्रू डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं लेट्स सी। ठीक है स्टूडेंट, आइए पहला सोल्यूशन देखते हैं। पहला सोल्यूशन है हमारा इंटीग्रेशन एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। तो आईलेट के हिसाब से ये पहला होगा क्योंकि इनवर्स है और ये दूसरा होगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाते हैं, टेन इनवर्स एक्स पहले को बाहर लिया, एक्स को इंटीग्रेट किया, माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स डी एक्स का होल डी एक्स। ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस टेन इनवर्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स का वन अपॉइंट वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू होल डी एक्स। वन बाई टू को बाहर ले लो, एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू बाहर आ गया, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स। यहाँ पर इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, वन प्लस करेंगे वन माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स माइनस हाफ। ठीक है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। और अब अंदर इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स माइनस हाफ, यहाँ वन आएगा, वन का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, और ये कहीं ना कहीं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा वन बाई वन टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, ये पहला हमारा सोल्यूशन हो गया। आइए सेकेंड देखते हैं। स्टूडेंट सेकेंड है लॉग एक्स। इस क्वेश्चन को लेने का मेन मोटो ये था क्योंकि यहाँ पे एक ही फंक्शन है और सब्स्टिट्यूशन लगेगा नहीं, तो हम करेंगे क्या, हम यहाँ पे इनटू में अगर कुछ नहीं रहता तो वन मान लेते हैं। ठीक है, तो आईलेट के हिसाब से, आईलेट के हिसाब से एल पहले आ रहा है एलजेब्रिक, ये मतलब इसका मतलब उसका है एक्स की पावर जीरो, तो ये पहला हो जाएगा और ये दूसरा हो जाएगा। तो लगा दो इंटीग्रेशन बाई पार्ट, लॉग एक्स इंटीग्रेशन वन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटीग्रेशन वन डी एक्स का होल डी एक्स। ठीक है, लॉग एक्स वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है माइनस लॉग एक्स का वन बाई एक्स वन का एक्स इंटू डी एक्स, ये एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, वन बचेगा और वन का इंटीग्रेशन होगा एक्स प्लस सी। ठीक है, आइए थर्ड देखते हैं। थर्ड वाले में क्या है, इंटीग्रेशन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स। इस वजह से सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, पहले हम इसको कॉस वन को हटाएंगे, तो हम एक्स साइन एक्स को रिड्यूस करेंगे साइन टू थीटा में, तो ये हो जाएगा टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। ठीक है, और कॉस थीटा का ऐसा फॉर्मूला लगाओ कि वन कट जाए, तो टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, तो ये वन और वन कट जाएगा, दोनों को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स बाई में हाफ एक्स बाई में टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स प्लस, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट होगा तो टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू अपॉन टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स, यहाँ दो दो कैंसिल आउट हो गए, कॉस एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे हाफ बाहर ले लो
और ये हो जाएगा x, ये cos square ऊपर चला जाएगा, sec square x by 2 into dx plus integration sin upon cos tan x by 2 dx, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करने जाएंगे, ठीक है। इसका तो इंटीग्रेशन हो गया tan x का, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे बाई पार्ट लग जाएगा, यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। तो आइए इसको देखते हैं, ऊपर से मैं रख कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो है हाफ और बाई पार्ट लगा रहा हूँ, आईलेट के हिसाब से क्या होगा, एल्जेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ये पहला होगा और ये दूसरा होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक एल्जेब्रिक के बाद आता है। तो हाफ यहाँ पे हो जाएगा एक्स इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स sec स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स का होल डी एक्स प्लस, इसको अभी ऐसे ही रहने दो, लास्ट में लगाएंगे फॉर्मूला। यहाँ पे हो जाएगा हाफ हाफ एक्स sec का और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स बाई टू, चूँकि दो से डिवाइड है तो दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस एक्स का वन हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा टेन एक्स बाई टू, ठीक है। लेकिन चूंकि दो का डिवाइड है तो दो से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा इंटू में डी एक्स, और प्लस इंटीग्रेशन टेन एक्स बाई टू हमारा पहले से था, ठीक है। हाफ को अंदर ले लो, जैसे ही हाफ को अंदर लोगे तो आ जाएगा एक्स इंटू टेन एक्स बाई टू इंटू टू बाई में टू माइनस, ये दो बाहर आ जाएगा तो टू बाई टू इंटीग्रेशन टेन एक्स बाई टू इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टेन एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। अब स्टूडेंट अगर यहाँ पे आप देखो तो ये दो दो अगर कैंसिल आउट कर दे तो ये और ये पूरा कट जाएगा, तो हमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, इसीलिए मैंने कहा कि बाद में इंटीग्रेट करेंगे। दो दो को कैंसिल आउट कर दो, आंसर आ जाएगा एक्स टेन एक्स बाई टू प्लस थ्री, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, चौथा थोड़ा सा स्पेशल इसलिए क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूशन और बाई पार्ट दोनों लगेंगे, ठीक है स्टूडेंट। आइए देखते हैं, देखो क्वेश्चन में जो वन प्लस स्क्वायर थ्री बाई टू है इसको इसको जो है हम स्प्लिट कर लेंगे ऐसे, अंडर रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टैन इनवर्स एक्स को टी मान लेंगे, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स आएगा, तो कहीं ना कहीं डी एक्स ऊपर चला जाएगा, तो डी एक्स हमारा हो जाएगा डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर डी टी, तो ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा डी टी से। लेकिन मैटर ये है कि अभी यहाँ पे एक्स बचे हुए हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, तो एक्स बराबर हो जाएगा टेन टी। अब यहाँ रखते हैं, यहाँ पे एक्स की जगह हो जाएगा टेन टी इंटू टेन प्लस एक्स की जगह हो जाएगा टी अंडर रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर टी इंटू में, ये पूरा डी टी में कन्वर्ट हो चुका है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन टेन टी, ये हो जाएगा सेक टी इंटू में टी डी टी। तो अब हम जो है हम इधर देखते हैं, देखिए ये आपका ये साइन टी अपॉन कॉस टी होगा और सेक टी हमारा वन अपॉन कॉस टी होगा, कॉस कॉस कट जाएगा तो आएगा हमारा टी इंटू साइन टी डी टी। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो आई लेट के हिसाब से फर्स्ट होगा और ये सेकेंड, तो टी बाहर आएगा कॉस टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी टी ऑफ टी कॉस टी डी टी का होल डी टी, वही बाई पार्ट लगाए हैं, कॉस का साइन टी हो जाएगा माइनस टी का वन वन इंटू कॉस का साइन टी और फिर डी टी बाहर वाला डी टी है और साइन टी का फिर से इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस टी साइन टी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस कॉस टी प्लस सी, बट अभी आंसर एक्स के फॉर्म में चाहिए। तो हम जानते हैं स्टूडेंट बिकॉज जो आपका टेन इनवर्स एक्स है वो टी के बराबर है, तो यहाँ से टेन टी की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स टेन टी विल बी एक्स, तो एक्स बाई वन लेके यहाँ पे आप 90 डिग्री का एक ट्रायंगल बना दो, ये टी है परपेंडिकुलर है ये बेस है, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो अब यहाँ से क्या करो, साइन टी कॉस टी जो चाहे वो निकाल लो, यहाँ वैल्यू रखते हैं, टी की वैल्यू है टेन इनवर्स एक्स इंटू साइन टी का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस टी का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस सी। एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन था, ठीक है स्टूडेंट। अब जो है हम आपको जो लास्ट जो स्पेशल केस बताया था इंटीग्रेशन बाई पार्ट का उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमने आपको ये बताया था कि इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ एस एक्स
का डी एक्स जो होता है ज्यादा टी की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, इसमें कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने लिया टी की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, पूरा इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, बाहर एक्स एक्सपोनेंशियल है। अगर इसको एफ एक्स मान लो, ये साफ साफ दिख रहा है एफ जैसे, क्योंकि साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस आएगा, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, टी की पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, एक क्वेश्चन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, पहले काम क्या करेंगे, लॉग एक्स को टी मानेंगे, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करो, वन बाई एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा एक्स डी टी। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो, एक्स बराबर आएगा डी टी पावर टी, इसको यहाँ रख दो, ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ पे, तो डी एक्स बराबर आ जाएगा ई की पावर टी डी टी। ठीक है, अब हम यहाँ पे रखते जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो हम रखेंगे ये आ जाएगा इंटीग्रेशन वन बाई टी माइनस वन बाई टी स्क्वायर इंटू ई की पावर टी इंटू डी टी। इसको थोड़ा और फॉर्मूला फॉर्म में रखेंगे, तो वन बाई टी प्लस माइनस वन बाई टी स्क्वायर ई की पावर टी इंटू डी टी। अगर आप देखो तो ये एफ ऑफ टी है और ये इसका डिफ्रेंशिएशन है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रिजल्ट क्या आएगा, वन बाई टू इंटू ई की पावर टी प्लस सी। लेकिन आंसर एक्स के फॉर्म में चाहिए तो टी की वैल्यू रख देंगे, टी इज देखिए टी की वैल्यू क्या है, लॉग एक्स है, वन अपॉन लॉग एक्स, ई की पावर टी क्या है एक्स है और प्लस सी, दैट इज योर आंसर। आई होप आज का जो वीडियो लेक्चर है वो आपको समझ में आया होगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।